बच्चे यहाँ पहले 8 थे, अब 3 निकल गए, वो छठवी में चले गए, ये 5वीं तक का। अच्छा, तो अब यहाँ पर 5 बच्चे हैं, यानी कि एक क्लास में एक बच्चा। अब लगा लीजिए या चाहे 5वीं क्लास। तो गाइस ये आप ही बता दीजिए कि एक इतना बड़ा स्कूल में केवल 5 बच्चे और टीचर कितने होंगे इसमें? एक टीचर हाँ, एक वो है। तो अब लगा लीजिए 5 बच्चे कौन कौन से क्लास में होंगे, कितने क्लास में होंगे। तो क्यों ना पानी पिया जाए यहाँ पे। आराम से आराम। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आई बेल घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सुधा रोड, अगर इस एक किलोमीटर हम सड़क से करीब 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तो काफ़ी थोड़ा चढ़ाई भी है। मेरे लिए इतनी चढ़ाई नहीं लग रही, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रिटायरमेंट लोग हैं, तो इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। दूसरा तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा हो, हाँ हॉस्पिटल हो बिल्कुल, या कोई बुड्ढों के लिए इस ढंग का भी कोई इस एरिया इर्द गिर्द में नजर नहीं आता। नहीं आता बिल्कुल। एक बात बताओ, ये जो नाम रखा है भनेटा, तो इसका भी कुछ है इतिहास के कुछ? मतलब हमारी जात बिरादरी में ध्यानी हमको, अच्छा ध्यानी के नाम से, ध्यानी के जाता है, कास्ट जो है ध्यानी। हाँ, कास्ट जो है ध्यानी है। हाँ, तो उन्होंने कहा जी ध्यानियों का गांव है। अच्छा, तो ध्यानी का गांव से ध्यानी कर दिया उन्होंने। अच्छा, इसको धनेटा बना दिया। तो एक धनेटा गाँव जो है ब्राह्मणों का है, और मल्ला ये कौन सा? मल्ला धनेटा, ये तल्ला धनेटा है। तल्ला धनेटा जो है वहाँ राजपूत लोग रहते हैं। प्राथमिक विद्यालय धनेटा, राजकीय हो गए, राजकीय। तो ये है यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, और हमारे टाइम पर तो प्राइमरी स्कूल लंटर वाला नहीं हुआ करते थे, टीन सेट हुआ करते थे, लेकिन अब काफ़ी सुविधाजनक स्कूल बन चुके हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं। और देखो कितना बढ़िया पेंटिंग, देखो आप यहाँ पे लिखे, देखो यहाँ पे कितना अच्छा कर रखा है। तो ये है धनेटा का प्राइमरी स्कूल, और ये स्कूल चल रहा होगा अभी। अच्छा अच्छा, परवित सौ 20 अप्रैल, अच्छा ऊपर जा रहे हैं। तो ये है गांव का धनेटा स्कूल का प्राइमरी स्कूल, और मैंने कई गांव में देखे मैंने कि स्कूल तक बंद हो चुके हैं, सरकारी जो प्राइमरी स्कूल है बंद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ अभी स्कूल चल रहे हैं बच्चों का प्लान के कारण। यहाँ के प्लान के कारण आज यहाँ मुश्किल से 5 बच्चे हैं, पहले 8 थे, अब 3 निकल गए, वो छठवी में चले गए, ये 5वीं तक का। अच्छा, तो अब यहाँ पर 5 बच्चे, यानी कि एक क्लास में एक बच्चा। अब यहाँ अब लगा लीजिए या चाहे 5वीं क्लास। तो गाइस ये आप ही बता दीजिए कि एक इतना बड़ा स्कूल में केवल 5 बच्चे और टीचर कितने होंगे इसमें? एक टीचर और उसके साथ एक ये अन्नपूर्णा जो है वो खाना जो बनाते हैं। अच्छा, वो भी होगी। हाँ, एक वो है। तो अब लगा लीजिए 5 बच्चे कौन कौन से क्लास में होंगे, कितने क्लास में होंगे। घर घर की जो आंगनबाड़ी को भी एक पानी की योजना इन्होंने दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो हमारे भारत सरकार ने बिल्कुल आंगनबाड़ी को भी ये नल मुहैया कराया गया। और देखो पानी अभी भी चल रहा है यहाँ पे, तो क्यों ना पानी पिया जाए यहाँ पे। आराम से आराम से, ये उतराई वहाँ टंकी है ना इसके ऊपर, बहुत ये प्रेशर का होता। झाग बनता है ना, तो ये है यहाँ का सुविधा, देखो कितनी अच्छी है, बिजली पानी मुफ्त में है, फ्री है, और पानी देखो कितना ठंडा है, शीतल पानी भी अच्छा है, बहुत बढ़िया मीठा पानी है। इस समय कम से कम गर्मी उत्तराखंड में इस समय सुबह शाम ठंड है, और लेकिन दोपहर में हल्का सा गर्मी यहाँ पे करीब है। तो गाइज मैं धनेटा में पहुँच चुका हूँ इस समय, और जो हमारे जैन के घर पर आ चुका हूँ, और आज मैं पहाड़ी कल्चर एंड पहाड़ी घर जो होते हैं हमारे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, पत्थर के होते हैं, क्यों होते हैं पत्थर के, कैसे होते हैं, उसका भी मैं आपको हिस्ट्री सारा बताऊँगा। और कुछ लोग भाई लोग भी यहाँ पर आए हैं जो भंडारा में जा रहे हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, और पूरा गाँव का मंदिर होता है यहाँ पर, जिसमें सभी लोग भागीदारी अपना निभाते हैं, और भंडारा है इसलिए यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं आज भंडारा। मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पर, और कुछ भाई लोग यहाँ पर मिले हैं जो गाँव के हैं और बाहर रहते हैं, और उनसे भी मैं यहाँ के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, और वो बताते हैं उनका राय क्या है यहाँ के बारे में।
तो मिलाते हैं आपको भाई साहब से, रविंदर सिंह रावत जी हैं जो कि मल्ला तल्ला धरेटा के हैं। तो रावत जी, आज हम आपके गांव में आए हैं, तो अभी मैंने आपके गांव में जब सड़क से ऊपर आया, 1 किलोमीटर पैदल आया। आजकल जबकि हर गांव में प्रधानमंत्री योजना या ग्राम सेवा योजना सड़क बन रही है, तो ये यहाँ तक अभी तक क्यों नहीं बना यहाँ पर, ये कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? कुछ इसके बारे में वैसे सेक्शन तो हो रखे रोड, अच्छा, तो कुछ ऑब्जेक्शन हो रहा है उसमें। अच्छा, कुछ लोगों की जमीन है वो नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते हैं, यही लोग जरा बीच में अपना, तो एनओसी नहीं मिल रही, एनओसी नहीं मिल पा रही है, तो उसकी वजह से काम रुक गया है। तो आने वाले टाइम पर रोड आ ही जाएगी यहाँ पे? हाँ, आ जाएगी, तो आ रही है आने वाले टाइम पर, एक दो साल में आ जाएगी यहाँ पे। तो उसके बाद फिर रोड आने से क्या होगा, यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे गांव में अपना? आते हैं पर थोड़ा जो सीनियर सिटीजन है वो और ज्यादा आएंगे यहाँ पे, जो प्लेन्स पे रहते हैं, जो प्लेन्स में परेशानी होती है चलने में, जबकि यहाँ ना बिजली की कमी है ना पानी कमी है, सब चीज उपलब्ध है यहाँ। और ये जो जंगलों में जो आग लग रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये आग खुद लगाते हैं या फिर अपने आप लगती है? कोई तो आग माचिस की तिल्ली मार रहा होगा, कोई राह चलते रोड है यहाँ पे, किसने स्मोक किया, डाल दिया या ऐसे चल गया। और चीड़ सबसे चीड़ यहाँ पे बहुत, तो चीड़ आपके नजरों में भी चीड़ जो है नफरत का एक स्रोत बना हुआ है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हर जगह गांव की समस्या चीड़ ही है, चीड़ है, क्योंकि जो पानी के जो ऑटोमेटिक जो स्रोत थे वो भी चीड़, उसका भी कारण चीड़ ही है। गाँव में ही रहते हो यहाँ पे? हाँ, मैं गाँव में रहता हूँ। आप गाँव में खेती बाड़ी कर रहे हो अभी? कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो ये थे जी हमारे रविंदर सिंह जी। और भाई साहब आपका शुभ नाम? आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह रावत। महेंद्र सिंह रावत जी हैं, आप भी तल्ला ग्राम तल्ला धनेटा के हैं। हाँ, आप कहाँ रहते हैं शहर में? सर जी, शहर में दिल्ली में तो NCR में रहते हैं, इंदिरापुरम में। अच्छा, और पहले गांव में रहते थे, गांव में पढ़ाई करी है जी, और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद फिर जब यहाँ पे जॉब अब नहीं मिली, हाँ, लंदन के लिए हो गया। लंदन के लिए हुआ, मेरे दोस्त भी वहाँ लंदन में ही है, और हमारे एक दोस्त हैं जसपुर के दामोदर जी को, वो मेरे दोस्त हैं, वो तुम्हारे जसपुर के, वहाँ पे दिनेश भी है सर। दिनेश भी है? आ, अपने दोस्त हैं वो। अच्छा, आपके दोस्त हैं? बिल्कुल। डिपार्टमेंट एक ही है क्या? एक ही डिपार्टमेंट। अरे वाह, वेरी गुड। होटल लाइन के ही है, पर हाँ कि वो थोड़ा अगले शहर में काम करते हैं, मैं थोड़ा अगले शहर में काम। अच्छा, फोन से बातें हमारी होती रहती है। बिल्कुल। तो उनका फोन आता रहता है और मुझे अपना वीडियो कॉल करते हैं, मुझे दिखाते भी हैं वहाँ पे। तो काफी पहाड़ी लोग बहुत हैं, हमारे इंडिया के लोग बहुत हैं वहाँ पे, बल्कि इंडियन मंदिर भी बन चुके हैं वहाँ पे। इंडिया के बहुत हैं, हमारे उत्तराखंड के बहुत हैं। हाँ, उत्तराखंड बहुत, हमारे उत्तराखंड की अपनी वहाँ पे सोसाइटी है, बल्कि उत्तराखंड का कल्चर होता है, यहाँ से सिंगर जाते हैं, वहाँ पे गायकार जाते हैं। जी, काफी अच्छा प्रोग्राम रहता है। तो अभी आप लंदन में ही जॉब कर रहे हैं वहाँ पे? अभी मैं लंदन से, एक शहर है लंदन के बगल में मैनचेस्टर के थोड़ा सा आगे, अच्छा, उसका नाम है ब्लैकपूल। ब्लैकपूल वो सी साइड है। अच्छा, तो टूरिस्ट प्लेस है वो। अच्छा, तो वहाँ पे बहुत बड़े समुद्र है, सी साइड है वो। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे जॉब करता हूँ। अच्छा, तो अभी वहाँ पे है। उत्तराखंड तो हमको पहले भी प्यारा लगता था, अब भी प्यारा, चाहे लंदन रहो चाहे कहीं भी रहो। हमने तो, मैं तो वहाँ ये बोलता हूँ, हम तो यूके से आए, यूके में ही है, उसको भी यूके बोलते हैं, इसको भी यूके बोलते हैं। जी, अपना तो उससे अच्छा यहाँ पे लगता है, बचपन यहाँ भी था, पढ़ाई यहाँ, सब कुछ, अपना बचपन ही पा, सब कुछ ठीक है, अच्छा लगा। बाकी ये है कि हाँ, थोड़ा सा रोजगार का हो जाए, अच्छे हॉस्पिटल आ जाए, ग्राउंड बन जाए, मतलब बच्चे जो बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं यही जॉब मिल जाए उनको, तो ऑटोमेटिक क्यों जाना बाहर, अपने घर में जॉब है तो वैसे के वैसे ही है। वैसे ही है। अभी थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये हुआ है कि गांव-गांव में रोडें पहुंच गई है। और जो गांव-गांव में रोडें पहुंच गई है तो उसकी मतलब सुविधा भी होगी, लाइट का भी होगा, लाइट का भी अच्छा यहाँ पे सही है, सिस्टम अच्छा है। बिल्कुल। तो ढीका में आग लगी तो वो कम से कम आधे घंटे में यहाँ ऊपर सारा जखेड़ा फूंक दिया, सारा वो ये कल्याणपुर का ऊपर का जंगल फूंका, और वो ये यहाँ से हमारे खेतावट मोड़ पढ़ेरावट ये सारे आधे घंटे के अंदर इतनी स्पीड। तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बड़े बड़े धन्यवाद आपका। और कुछ हमारे जो पहाड़ी भाई लोग जो लंदन और अमेरिका दिल्ली रहते हैं, उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं आप? देखो सर, अमेरिका रहो या लंदन रहो या दिल्ली रहो, कहीं भी रहो या गांव में रहो, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे ऊपर वाला 100% देगा, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने, कुछ नहीं मिलने वाला, सबसे बड़ी बात है अपना 100% दो, 200%। तो ये थे हमारे जो भाई साहब थे, इनसे आज मैं पहली बार मिला हूँ, तो उत्तराखंड अपने गांव जन्मभूमि से कितना इनको अपना प्यारा लगा उनको, और जॉब करते हैं इंग्लैंड में, लंदन में, और वहाँ से भी अपने घर आना अभी तक नहीं भूले हैं। अक्सर हर साल आप अपने गांव आते रहते हैं, तो ये है भाई साहब जब आपने पूछी, बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं इस गाँव के मंदिर में, ऊपर भंडारा हो रहा है आज,
और देर भी हो रही है तो निकलते हैं सीधा। मैं वीडियो लाऊंगा। ऑलरेडी मल्ला धनेटा पहुंच चुका हूं और माँ देवी वैष्णो देवी मंदिर में पहुंच चुका हूं, जहां पर आज भंडारा है और भंडारा में काफ़ी लोग आए हैं, सारे गांव के लोग आए हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं और यहां का जो कल्चर है, कैसे है भंडारे में खाना खाया जाता है, परोसा जाता है, वो भी बाद में आपको दिखाऊँगा। तो जैसे कि नज़ारा आप देख रहे हैं इस समय, और मंदिर का दर्शन कराता हूँ। तो ये है कुछ नज़ारे हमारे पहाड़ी कल्चर, और यहाँ पर है इस समय भंडारा हो रहा है और माँ वैष्णो देवी का सामूहिक मंदिर है यहाँ पे मल्ला धनेटा, और इस समय खाना चल रहा है, प्रसाद ग्रहण हो रहा है यहाँ पे, तो सभी लोग बैठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर में मैं भी यहाँ पर बैठूँगा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और बाकी जो हमारे गुरु जी हैं, जो ससुर जी है, वो हमको बताएंगे यहाँ के बारे में, तो बहुत बढ़िया लगा हमको। मल्ला धनेटा जो मंदिर में आया हूँ, ये है वो मंदिर, और जय हो माँ तेरी, जय हो। ये धनेटा का मंदिर है गांव का, और यहाँ पे हमारी माता जी बैठी हुई हैं। तो और ये है प्रसाद, यहाँ पे भोग लगा दिया गया है, और बस अब मैं भी प्रसाद लेता हूँ, फिर आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो गाय जो धनेटा जो गांव है, और ये गांव के जो कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं, तो अभी बूजी के मैं बूजी से पूछूंगा, ये बताएंगे हमें कोई गांव के बारे में। तो बूजी नमस्कार। नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है? ज्ञानन जी। तो इस गांव में जो मल्ला धनेटा जो गांव है, इस गांव में कितने मुआसे रहते हैं? यहाँ पे 24 मुआसे हैं। अभी सभी लोग घर में ही हैं? कोई बाहर ही है? सब बाहर ही है, और सारे घर बंद है, आते जाते रहते हैं यहाँ पे। हाँ। और नीचे इतना बड़ा मकान बना रखा है वो लेंटर वाला, वहाँ भी कौन रहता? उसका अभी कोई नहीं है। कोई नहीं है? साल भर में एक बार आते होंगे? एक बार 6 महीने में, साल भर में 2-3 जनों का है वो मकान। 2 जनों का है? हाँ। और बाकी सब कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। आप भी घर में रहते हो? तो गाँव तो बहुत अच्छा है, हवा पानी सब कुछ यहाँ मिल रहा है, कितना बढ़िया हवा चल रही है और इतना शुद्ध वातावरण यहाँ पे, लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है यहाँ? हाँ, बाकी सब कुछ है, रोजगार नहीं है। अगर 2 पैसा या घर में अगर रोजगार मिल जाए तो फिर प्लान नहीं होता यहाँ पे, यही है ना मुझे बात? तो गाइज, मैं इस समय प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, और जैसे कि देख रहे हैं मंदिर माँ बद्रीनाथ जी का प्रसाद है, और करते हैं शुरू। और हमारे साथ हमारे भाई साहब लोग भी हैं जो प्रसाद खा रहे हैं, और आप भी प्रसाद लेंगे। क्या नाम है जी आपका? बालादत्त जी। आप? चंदन सनवाल, गरसारी से। गरसारी से हैं आप लोग? अच्छा अच्छा अच्छा। तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं भंडारे में, और आज मैं भी यहाँ पर आया हूँ शालदे से। तो ऑलरेडी गाइज, प्रसाद हमारा ग्रहण हो चुका है, और प्रसाद भी खा लिया, पेट भर के खाया यहाँ पे, और सभी लोग खा के अपने घर को निकल रहे हैं एक एक करके। और मेरे को भी यहाँ से निकलना है, और मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। और धनेटा में बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, और भगवान बद्रीनाथ जी के भी दर्शन यहाँ पे हो गए, और कुछ हमारे भाई साहब भाई लोग भी यहाँ पे हैं, जो अंकल जी नमस्कार, और हमारे बाबा जी हैं यहाँ पे, नमस्कार जी।
तो ये भी यहाँ पर आए हैं। आप गरसारी से आए ना, आप तो गरसारी में रहते हैं आप, तो हमारे ससुर जी भी यहाँ पे हैं। तो ससुर जी फिर हम मैं निकलता हूँ यहाँ से आप अपने घर के लिए। आपने बहुत अच्छा दिखाया यहाँ पर आज कार्यक्रम, और भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन भी हो गए, तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और अब मैं भी निकलता हूँ। अभी आप हो यहाँ पर? अभी निकलूंगा, घर निकलूंगा आप, देखेंगे जरूर। शाम को भी बत्ती जला ले, अच्छा मतलब दर्शन एक दफे हो जाए तो अच्छी बात लगता है। बिल्कुल। तो ये था गाइज यहाँ का, आपको जो दिखाया मैंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। और अब मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए, टिल देन, गुड बाय।